हम सभी जानते हैं कि हर साल 26 जनवरी को अलग अलग देशों की झांकियां निकाली जाती हैं, लेकिन इस बार इसमें पश्चिम बंगाल की झांकी को शामिल नहीं किया गया है, तो आइए जानते हैं क्यों। नमस्कार, स्वागत है आपका पोस्टफुल न्यूज इन मीडिया में और मैं आपके साथ सलोनी सरीन। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को जानकारी दी कि बंगाल सरकार की झांकी का प्रस्ताव विशेष समिति के पास दो बार भेजा जा चुका है। दूसरी बैठक में चर्चा के बाद इसे खारिज कर दिया गया। इस साल परेड समारोह के लिए कुल 56 झांकियों के प्रस्ताव आए थे, जिनमें से 22 को चुना गया। आपको बता दें कि इस बार ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। बंगाल की झांकी को मंजूरी ऐसे वक्त में नहीं मिली जब नागरिकता संशोधन कानून और NRC को लेकर ममता बनर्जी और केंद्र सरकार आमने सामने है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नागरिकता कानून के खिलाफ केंद्र सरकार के विरोध में खड़ी है। इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार में टकराव और भी बढ़ सकते हैं। गणतंत्र दिवस परेड के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। झांकियों का चयन एक विशेष समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें कला, संस्कृति, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, वास्तुकला और नृत्य कला से संबंधित लोग शामिल होती हैं। यह समिति प्रस्तावों पर विचार करने पर अपनी सिफारिशों को राज मंत्रालय को सौंपती है। समय की बाध्यता को देखते हुए समिति संख्या में भी झांकियों का चयन होता है। इससे पहले भी साल 2018 में पश्चिम बंगाल की झांकी को परेड में शामिल नहीं किया गया था, इसके प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था। लेकिन अभी तक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं की। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप जुड़े रहें पोस्टफुल न्यूज़ इन मीडिया के साथ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल पोस्टफुल न्यूज़ इन मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपडेट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। थैंक यू।